क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न इज़ ए वेरी फेमस इंडो चाइनीज डिश और इसे कैसे बनाना है देखेंगे मेरी आज की इस वीडियो में। तो चलिए देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। चिली बेबी कॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बेबी कॉर्न लिया है और अभी इसे छोटे टुकड़ों में काटना है। मैं बेबी कॉर्न को ऐसे टेढ़ा करके काट रही हूँ। इस कट को बोला जाता है डायमंड कट। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसे ही काटना है, आप अपने मनचाहे कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं। तो सारे बेबी कॉर्न को मैंने ऐसे डायमंड शेप में ही काट लिया है और ये दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। बेबी कॉर्न खाने में थोड़ा हार्ड होता है तो इसलिए इसे बॉईल करना ज़रूरी है। तो मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और पानी में जब ऐसे उबाल आ जाए ना तब हमें सारे बेबी कॉर्न को इस पानी में डाल देना है। 3 से 4 मिनट ही बेबी कॉर्न को बॉईल करना है, इससे ज़्यादा इसे बॉईल नहीं करना है, नहीं तो बेबी कॉर्न का क्रंच ख़राब हो जाएगा। तो अभी देखिए उबलते हुए इसे सिर्फ 1 मिनट ही हुआ है, तो इसे हम थोड़ा और पका लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे उबलने दे। 2 से 3 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देना है और फिर एक स्ट्रेनर या फिर एक छलनी की मदद से सारे बेबी कॉर्न को हमें निकाल लेना है। गर्म पानी से निकालने के बाद बेबी कॉर्न को बिल्कुल ठंडा कर लेना है और फिर हम इसे कोट करेंगे। कोटिंग के लिए मैंने एक बड़ा बर्तन का यूज़ किया है और अभी बेबी कॉर्न के ऊपर डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच भर के इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 छोटा चम्मच डालेंगे रेड चिली सॉस। तो अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप उसके जगह कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको बर्तन को ऐसे पकड़ के सिर्फ शेक करना है और बस थोड़ी देर बाद आप देख पाएंगे कि बेबी कॉर्न में चारों तरफ से अच्छे से मसाला लग गया है। और अभी इसके ऊपर से हमें डालना है कॉर्नफ्लोर ताकि ये क्रंची बने। तो ये मैंने इसमें 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और फिर से हमें इसे शेक करना है। नमक डालने की वजह से बेबी कॉर्न से थोड़ा सा पानी निकला है तो इसलिए हमें इसमें 2 बड़ा चम्मच और कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा। तो ये गया 1 चम्मच और ये 2 चम्मच बस। और अभी फिर से इसे सेम तरीके से शेक करना है और ये देखिए कॉर्नफ्लोर एकदम अच्छे से बेबी कॉर्न के ऊपर लग गया है। तो अभी अब जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। तो बेबी कॉर्न यहाँ पे रेडी है, अभी हम इसे फ्राई करेंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें और सारे बेबी कॉर्न को तेल में डाल दें। बेबी कॉर्न तेल में डालने के बाद 30 सेकेंड तक आपको इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो बाहर का जो कोटिंग है ना इसे अच्छे से सेट होने दें। सारे बेबी कॉर्न को तेल में डालने के बाद आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है तेल में। और जब ये झाग थोड़ा कम हो जाए, मतलब 2 से 3 मिनट के बाद ही आप देख पाएंगे कि झाग थोड़ा कम हो गया है, तो तब आपको बेबी कॉर्न को तेल से निकाल लेना है। इसे फ्राई करने के लिए मुझे 3 से 4 मिनट ही समय लगा है और फिर एक स्ट्रेनर की मदद से अभी हम इसे निकाल लेंगे। तो ये मैंने सारे बेबी कॉर्न को तेल से निकाल लिया है। अभी हम बनाएंगे बेबी कॉर्न के लिए सॉस। तो इसी कढ़ाई में मैंने 3 बड़ा चम्मच रिफाइन तेल डाला है। चिली सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च को डायमंड शेप में काट के रखा है, थोड़ा सा लिया है टमाटर और शिमला मिर्च और 1 बड़ा सा प्याज लिया है और इन तीनों चीज़ों को मैंने डाइस शेप में काट के रखा है। तो पहले हम तेल में डालेंगे चॉप लहसुन और अदरक और इसे डालने के बाद ना 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही भूनना है और फिर इसमें डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। हरी मिर्च अभी हम इसमें नहीं डालना है, हरी मिर्च का इस्तेमाल हम एकदम लास्ट में करेंगे। तो अभी 4 से 5 मिनट के लिए सब्ज़ी को हमें अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें नहीं तो सब्ज़ी नरम हो जाएगा और खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। और अभी हम इसमें कुछ सॉस डालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस डालने के बाद इसे थोड़ा सा तेल में फ्राई कर ले ताकि इसका जो कलर है वो अच्छे से आ जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस। सोया सॉस में पहले से ही बहुत नमक होता है इसलिए हम एक्स्ट्रा इसमें कुछ नमक ऐड नहीं करेंगे। और टोमेटो सॉस थोड़ा सा मीठा होता है इसलिए जो रेड चिली सॉस का स्पाइसीनेस है ये इसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और अभी इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, तो मेज़रमेंट के हिसाब से 1/4 कप पानी डाला है मैंने। तो सॉस हमारा उबल रहा है और इसे थोड़ा थिक बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर वाटर। तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मैंने थोड़ा सा पानी के साथ मिला लिया है और इसमें डाल दिया है। और ये देखिए सॉस अभी कितना गाढ़ा है। तो इसे हम ड्राई बनाएंगे इसलिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, ग्रेवी हमें नहीं चाहिए। चिली बेबी कॉर्न के लिए सॉस बिल्कुल रेडी है और अभी हम इसमें डालेंगे क्रिस्पी बेबी कॉर्न्स।
सॉस में बेबी कॉर्न डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो बेबी कॉर्न का जो क्रिस्पीनेस है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी लास्ट हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच विनीगर और ये कटा हुआ हरी मिर्च। हरी मिर्च और विनीगर डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। और यहाँ पे हमारा क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आपने देखा ना कितना सिंपल तरीके से इस क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न को हमने बनाया है। किसी भी पार्टी का स्टार्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें और कैसा बना था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल प्रियस रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।